अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज हमने फैसला किया कि बाहर निकलते हैं, गर्मी तो कहर ढा रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ख़ास तौर पे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में वैसे जो गर्मी और ख़ास तौर पे हब्स की सूरत हाल है उससे तो उसका अजाब तो आवाम झेल रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा अजाब आवाम पर बिजली के बिलों की सूरत में नाजिल हो रहा है। पिछले महीने भी बहुत ज़्यादा बिल आए, इस माह बिल आने वाले हैं, एक दो दिन के अंदर लोगों को बिल मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। अब IMF के कहने पर हमने जो टैरिफ्स बढ़ाए उसका जो फल है वो तो आवाम ने काटना है, और हुकूमत दूसरी जगह पे ये दावा कर रही है कि वो ख़ास तौर पे लाइफलाइन और प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को रिलीफ देगी, लेकिन लोगों की ये भी बहुत सी शिकायत सामने आई कि 200 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किए लेकिन उसके बावजूद उनको बिल उससे ऊपर वाली स्लैब के मौसूल हो गए, ये पिछले माह की बात है। इस माह भी मामला ये होगा कि 50 अरब की सब्सिडी का जो ऐलान है हुकूमत की तरफ से वो अपनी जगह पर, और वो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल उतनी सी बिजली यूज़ करते हैं जितना ज़रूरत होती है, मिनिमम बेयर मिनिमम, लेकिन जो मिडिल क्लास है पाकिस्तान की वो कहाँ पे जाएगी, उनको जितना महंगा टैरिफ लगाया जाएगा हुकूमत की तरफ से। तो अब आम से जानते हैं कि जो बड़ा मसला है उनका बजट जो बिजली के बिलों की वजह से ख़राब होता है, और जो बड़ा मसला है IPPs का जो कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है, ये बात मैं आपको वैसे बता दूं कि आवाम बहुत इस बारे में समझदार हो चुके हैं, हर एक को तकरीबन पता है कि क्या वजह है कि उनको इतने भारी भरकम बिल चुकाने पड़ रहे हैं। आवाम की राय जानते हैं कि इस गर्मी में जो वो बेहाल हुए हैं बिजली के बिलों से मज़ीद कितना बेहाल हो रहे हैं, तो आइए बात करते हैं। सर ये बताएँ कि गर्मी तो बड़ी तबाहकुन, जी सर, उसके अलावा जो बिजली के बिल हैं वो उससे भी ज़्यादा तबाहकुन, क्या सूरत हाल है बजट की आपके बिजली के बिल की वजह से? सर ऐसे बिजली रे साहब ने अग लाई है, कसम गल जे बिल इतने रोटी नहीं पूरी होती पी, बिल किमें पूरे करिए, 184 यूनिट चले पे, बिल मेरा 2700-2800 रुपया आता है, वैसे 184 यूनिट रहा, 200 तो थले सी ना, 200 रे अंदर मैं, एक मीटर सर 2 मीटर लगे है पे, एक मीटर मैं 200 रे अंदर चलाना पे, 190, 195, 186 पूरा बिल मेरा 2600-2700 आता, वैसे एर की उन्होंने 3700 रुपया भेजे पे, 800 रुपया ज्यादा आया। दूजा मीटर मेरे 348 यूनिट चले पे, पूरा बिल सर आया वे 17,500 रुपया, वो 348 यूनिट रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। ओवर बिलिंग, ओवर, हुकूमत ने तो कहा था कि 200 से नीचे आपके यूनिट हो तो प्रोटेक्टेड, आपको तो हम बड़ा रिलीफ, 50 अरब की सब्सिडी का ही भी है। शहबाज शरीफ ने झूठ बोलिया वे, एर जो कोई शक नहीं, हाँ यह देखो यह मौजूदा बिल यूनिट कितना चले, 114 यूनिट, एरा बिल कितना आया, 7674 रुपये जी बिल आया हुआ है। वही जो बात हो रही थी ओवर बिलिंग वाली, वादा हुकूमत ने किया हुआ है, वादा पूरा 200 से, अच्छा कोई भी नहीं पूरा किया। ये देखे ना, ये दिखा देते हैं हम, 114 यूनिट है जी, 114 यूनिट्स के ऊपर जो इनको जो बिल डाला गया है वो 200 से ऊपर वाले स्लैब में डाला। घर पे कोई एसी शेसी लगाते हैं? सर एसी लाईदा, गलब ये नहीं कोई नहीं, रात को 12 बजे लाईदा, सुबह 6 बजे नमाज तो बाद बंद कर देईदा। हुकूमत के दावे अपनी जगह पे है रिलीफ देने के, लेकिन नहीं मिल रहा लोगों को। हाँ ये है, ये सब चीजें अपनी जगह पे, कि मतलब हमने मुल्क तो चलाना है, खर्चे तो पूरे करने हैं, लेकिन वो जो मुआहदे कर रखे हैं हुजूर कैपेसिटी पेमेंट्स के, एक यूनिट एक बिजली घर नहीं बनाता, और अरबों रुपए हम उनको जो दे देते हैं उनका कुछ किया जाए, उसके हवाले से हुकूमत ने अभी तक कोई पॉलिसी क्यों नहीं बताई कि हम इस पर कुछ काम कर रहे हैं, इन मुआहदों को रोल बैक करेंगे या इनसे रीनेगोशिएट करेंगे, कुछ तो किया जाए जिसकी वजह से इतने ज़्यादा बिल आते हैं उस पर। मजीद सर सलाम अलैकुम, क्या करते हैं आप? ये लोड का काम है। अच्छा बिजली का सुनाए बिल वगैरह? यही हमारी बिजली है। अच्छा इतना ज्यादा जो बिल, घर का क्या बिल आ रहा है? घर का मेरा इस बार आया, मैंने पिछले महीने 20,000 का करवाया था जमा। अच्छा हाँ, वो भी 200 से ऊपर यूनिट थे तो उन्होंने ज़्यादा डाला, उधर भी ऐसे नहीं चलता, सिर्फ कूलर ही चलता है। यार ये तो इनसे नहीं कम होना, ना बिजली कम होनी, इन्होंने हर साल ऐसे ही करते हैं ये, ना कोई पॉलिसी होती इनके पास, बस आ जाते हैं 5 साल गुजारे, 50 अरब रुपए का, 50 अरब का रिलीफ देने लगे हैं, हुकूमत कहती देंगे, इस दफा देना था बिल, न्यूज में ही होता है, आवाम को नहीं मिलता, एक मजदूर सारा दिन मेहनत करता रहता है, रात को आके वो सोच रहा होता है यार सुबह फिर उधार देना, उसके पैसे नहीं पूरे होते, खर्चा ही पूरा नहीं होता। गैर मुनासिब बात है कि मैं आपसे पूछूं आप कमाते हैं कितना, लेकिन ये बताइएगा कि आप जितना कमाते हैं उसकी कितनी परसेंटेज, कितनी फीसद आपके बिजली में? समझो 15-20 हज़ार उधार ही लिया होता हमने, फिर वो
रात को 2 बजे जाता हूँ। तो बजट में जो घर का बजट है उसमें सबसे बड़ा खर्चा खाने पीने का है या बिजली का है? क्या बिजली पहले देनी पड़ती है? पहले बिजली, खाना पीना तो दूर। तो ये और 5 साल बाद मुझे लग रहा है पंखे भी नहीं चलाने गर्मियों में, बाहर आके बैठे करें हाथ वाले पंखे से। वो उधर हम दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। और हम 75 सालों में अभी बिजली पूरी नहीं कर सके। इंडिया देखो, दूसरे मुल्क देखो, वहाँ बिजली फ्री दे रहे हैं हमको। इधर अभी तक कोई 40 का यूनिट 50 का यूनिट ये मुआहिदा वो मुआहिदा समझ नहीं आ रही। टैक्स भी इतना लेते हैं, अभी खराब हो जाए इधर बिजली, 4 घंटे से बिजली नहीं आएगी। वापदा ले कहेगा हमारे पास तार नहीं है, वो कहेगा हमारे पास गाड़ी नहीं है, वो कहेगा हमारे पास पेट्रोल नहीं है, इधर ही घुमाई जाएंगे हमें 4 घंटे। वो दुकान के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने पेडेस्टल फैन एक छोटा सा लगा है, बल्कि मैं कैमरा मैन से कहता हूँ दिखा भी दे, बंद करके बैठे हुए बंद करके बैठे हुए दोनों दुकान। यहाँ पे भी साथ भी पंखे बंद, 14 यूनिट चले थे ना, उससे क्या टाइम करें, 70 यूनिट पे आ जाए, नहीं इनका नहीं होता। चले, हुकूमत ने जो वादे किए हैं अल्लाह ताला उन्हें ही पूरा करने की हुकूमत को तौफीक दे दे। और लोगों से भी बात करते हैं, कार बिल की आया है 36,000। अच्छा, कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं? अच्छा, तो ये पहले भी इतना ही आता है आपका बिल? पहले आया थी कोई 26,000। अच्छा, बात तो बात ही जा रही है। हाँ, तो कोई उसमें हुकूमत जो कह रही है रिलीफ देंगे, हम 50 अरब रुपए का रिलीफ रखा है, आपका ओवरऑल जो घर का बजट बनता है जितने पैसे आप कमाते हैं, ये आप कारोबार, आपका फलों का कारोबार है, तो इसके खर्चा ठीक चल जाता है बिजली के बिलों के साथ? बाजी 3 जने लगे हैं। कपड़े उतार के बेच रहे हैं बिलों के लिए आपका? अच्छा, आपके ये हर बंदे की परेशानी है। ये भाई है, इससे पूछे, ये तनख्वाह लेता है, तनख्वाह में इसका पूरा ही नहीं होता है कि कभी सामान एक जगह ठा के कभी एक जगह ठा के। मैं खुश हूँ। तनख्वाह में से कितना हिस्सा बिजली के बिल के माध्यम में चला जाता है? यानी कि ये समझ लें कि तनख्वाह ले के भी जितनी तनख्वाह लेते हैं इतना कर्जा चढ़ जाता है हर महीने। हर महीने तो ये हालत है। तो अभी ज़्यादा है या पहले भी आपको ज़्यादा ही महसूस? पहले नहीं थे बिल, पहले इतने नहीं थे, अभी बिल ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं तो हुकूमत ने भी कहा हुआ है ना कि रिलीफ देंगे हम। मैं 300 रुपया बिजली का बिल आता था मेरा, 300 रुपया। अच्छा, 300 रुपया मैं किराए के रहता हूँ, किराए के मकान में। अभी उसी कमरे का किराया मेरा 10,000 रुपया किराया और 6,000 रुपया मैं बिल देता हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगा। और खाने पीने का खर्चा तो जाहिर है, खाने पीने का मतलब 500-700 रुपये में 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल है। तो वैसे आपको अंदाज़ा ही इतने ज़्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? सर ये टैक्सेस की वजह से, अदर टैक्स, प्लांट टैक्स, प्लांट टैक्स, ये टैक्स ही लगे बिल आते हैं। आप अपना जैनवर बिल उठा के देखें कितना होगा, उसमें टैक्स देखें कितने होंगे। बिल्कुल है। ऐसे कैसे मिजाज है सर? शुक्र लगा जी, फर्स्ट क्लास आपने बेहतरीन। वैसे गर्मी का तो बुरा हाल किया हुआ है, वैसे ओवरऑल ठीक है। बिजली के बिलों ने ना बड़ा जी बेड़ा गर्क किया हुआ है आवाम का। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसमें कहाँ गुजारा हो पाता है, कम से कम पंखा कूलर तो चलाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे आपका क्या मामला है, मतलब जो घरेलू बजट है उसमें से कितना बिजली के बिल की मद में चला जाता है? घरेलू बजट तो हर बंदे का उड़ हुआ है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से ही है, क्योंकि IPPs के साथ जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, गवर्नमेंट को इनको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की जो इस वक्त पॉलिसीज़ हैं, वो कोई भी ये नहीं चाह रहा कि कोई आवाम को रिलीफ मिल सके किसी किस्म का। हर बंदा आप समझ लें कि अपने ही लूटमार में लगे हुए हैं और आवाम के लिए कोई भी कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, मतलब वो हर दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिलासा तो दिया जाता है हुकूमत की तरफ से कि रिलीफ देंगे आवाम को, ये जो आपने IPP मुआहिदों की बात की है इसकी तरफ आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं हुकूमत आती और ये ऐलान करती कि हाँ जी हम रीनिगोशिएट करेंगे रीशेड्यूल? अपेरेंटली तो ऐसे ही लग रहा है कि उनके अपने मफादात है, जिसकी वजह से वो IPP इसको रीशेड्यूल नहीं करना चाह रहे। तो ये तो जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं वही आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो बिलों की सूरत हाल, जो कंडीशन है इस वक्त, वो तो बहुत बुरी है। और हर बंदे का, हर बंदा, मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ, किसी भी छोटे से छोटे घर में भी 50,000 से कम का बिल नहीं आ रहा किसी का। तो हर बंदा तो वो इस, मैं तो देखता हूँ कि पहले तो बिलों के इतनी इश्यूज नहीं थे, अब हर बंदा बिल लेके यहाँ तो अपने मीटर के पास यूनिट चेक कर रहा होता है, यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल मेरा बिल कितना है, और हर बंदा इसी चक्कर में कंट्रोल करने में लगा हुआ है। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने ज़ाती तौर पे मेरा बिल पिछले माह आया
मुझे यकीन नहीं आया, वो काफ़ी ज़्यादा बिल आया। मैं बाहर जाके बाकायदा, अच्छा वो 3-4 मीटर लगे हैं, तो मैंने तार देखी जाके कि मेरा मीटर कौन सा और यूनिट कितने हैं उसके ऊपर, क्योंकि जाहिर है कि मतलब बिल बहुत ज़्यादा बात है। अब एक बंदे की एवरेज इनकम जो है आप उससे मैच करेंगे किसी के बिल को, तो वो तो नहीं कर रहा ना। अब वो जिसका बिल जिसकी 30,000 या 50,000 या 1,00,000 रुपया भी पे है, अगर 1,00,000 रुपया बंदा मंथली कमा रहा है और उसका बिल 50,000 रुपया आ गया, तो वो कैसे अपने घर का मैनेज करेगा? दुरुस्त बात है सर, ये तो सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही गलत है, और गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही किसी किसी को रिलीफ देने, हर बंदा बस अपने ही इंटरेस्ट और मफाद को देख रहा है, आवाम के लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा।